की घोषणा बीजेपी अगस्त माह में करेगी और उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट हो सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष। तो यूपी में 2024 चुनाव के मद्देनजर होगा नाम का ऐलान। तो यूपी में जातीय समीकरण साधेगी भारतीय जनता पार्टी। तो यूपी में जो भी चेहरा होगा प्रदेश अध्यक्ष का वो 2024 के लिहाज से काफी अहम होगा, क्योंकि जातीय समीकरण को भी साधना है भारतीय जनता पार्टी को। और इस बीच उत्तराखंड की बात करें तो जो खबरें आ रही हैं महेंद्र भट्ट को फिलहाल ये जगह मिल सकती है, तो पद अध्यक्ष का पद मिल सकता है उत्तराखंड को। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता अभिषेक पांडे से। अभिषेक, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो नाम सामने आ रहे हैं उन नामों को लेकर के फिलहाल अभी तक किस तरीके की सुगबुगाहट नजर आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव है वो इसी दौरान पड़ेगा, स्थानीय निकाय के जो चुनाव पड़ेंगे वो इसी दौरान पड़ेंगे। तो अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, संगठन में एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, संगठन को एक साथ लेकर के चलने की जिम्मेवारी होती है। बहुत फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, एक बेहतरीन कार्यकाल रहा है, कई उपलब्धियां उनके इस खाते में रही हैं इस दौरान उनके कार्यकाल के। तो ऐसे में आने वाला जो अध्यक्ष होगा उसके ऊपर और बड़ी जिम्मेवारी होगी और ज़्यादा जवाबदेही उसकी होगी, और इसीलिए केंद्रीय आलाकमान बहुत सोच विचार करके हर तरीके के समीकरणों पर विचार करके नाम को सामने रखेगा। माना जा रहा है कि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे, जातीय संतुलन बना रहे, एक ऐसा चेहरा रहे जो सर्वमान्य रहे, जिसको संगठन की समझ हो, अच्छी समझ हो, इन तमाम फैक्टर्स को लेकर के चलने वाले व्यक्ति को तलाशना, और इसीलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है, नहीं तो अब तक किसी एक नाम को अब तक सामने रख दिया गया होता। 29 से लेकर के 31 तक चित्रकूट में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर लग रहा है, माना जा रहा है कि वहाँ भी केंद्रीय आलाकमान से कई बड़े नेता वहाँ पर शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, वहाँ पर भी जो बैठकें होंगी इस बारे में, और बिल्कुल बैठकों का दौर लगातार जारी है। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हमारी दिल्ली सहयोगी स्वाति पाठक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति, अगर बात करें नए कप्तान को लेकर के, 2024 को लेकर के भी कहीं ना कहीं फोकस होगा, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर के, यूपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, नामों को लेकर के, और इस बीच क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट स्वाति? जी बिल्कुल, देखिए आलोक, कि अभी हाल में ही जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है, जिन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और वो मुलाकात लंबी चली थी। सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि स्वतंत्र देव सिंह ने अपना इस्तीफा केंद्र नेतृत्व को भेजा है। अब मंथन फाइनल दौर में है कि उत्तर प्रदेश में किसे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन बीजेपी 2024 के लिहाज से भी देख रही है, और इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि जातीय समीकरण के आधार पर जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। और इस वक्त कई नाम ऐसे चल रहे हैं जो अलग अलग जाति से हैं, समुदाय से हैं, लेकिन अब तक फाइनल नहीं किया गया है कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का होगा कौन। लेकिन संभव है, जो सूत्रों के मुताबिक खबर है, कि अगस्त के महीने में उत्तर प्रदेश को बीजेपी का अध्यक्ष मिल जाएगा, और लगातार बैठकें भी चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी किसे जाए, क्योंकि जो निचले स्तर से लेकर संगठन तक का जिन्हें अनुभव होगा उसे ही पार्टी ये कमान सौंपेगी। और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हो जाता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी होगी जिसे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के तौर पर चुनेगी उनके ऊपर। तो अभी बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी होगी शीर्ष नेतृत्व पर भी कहीं ना कहीं। स्वाति, आप हमारे साथ बने रहिए और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, जिस तरीके से जातीय समीकरण की बात करें, क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें, बात कुल मिलाकर के ये है कि एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हो जो सर्वमान्य हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कप्तान चाहिए जो संगठन की बारीक पकड़ रखता हो, सबके बीच में रहा हो, सर्वमान्य रहा हो। जैसा स्वाति कह रही थी, निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक के अलग अलग पदों पर संगठन की बारीकियों को समझता हो, ऐसा ही आदमी तलाशा जा रहा है। अब देखिए, जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन तो हो सकता है, लेकिन भाजपा का कप्तान ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरी तरीके से भाजपा ही होता है, यानी जो संगठन के बीच से पैदा होकर के आता है। तो यानी जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन की आड़ में किसी ऐसे व्यक्ति को सामने नहीं लाएगी भाजपा, जो कम से कम बीजेपी के ओरिजिनल कैडर का ना हो। वो अंदर का व्यक्ति होगा, संगठन का व्यक्ति होगा, लेकिन इस बात को भी देखा जाएगा
कि वो एक चेहरा होगा यूपी बीजेपी का, तो ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन बना रहे, जातीय समीकरणों का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा, ऐसे नाम को तलाशा जा रहा है जिसको लेकर के यूपी बीजेपी मजबूती से 2024 के लोकसभा चुनाव में जा सके, उसकी अगुवाई में कई और चुनाव होने के आधार पर 2024 लोकसभा चुनाव पर भी जाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, और स्वाति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं जौनपुर से खबर, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जौनपुर दौरा, आज सुबह 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट।